गया था। नमस्ते आप, so आप लोग यहाँ पे ऑफलाइन देख रहे हो कि मैं रेगुलर बेसिस पे फॉरेक्स के टेन श्योर शॉर्ट स्मॉल स्निपेट्स डालते रहूंगा विच विल रियली हेल्प यू इन योर प्रेपरेशन ये ने स्टार्ट किया था विद SPOM, SCPM से मैंने ये चीज स्टार्ट की थी एंड थैंक्स अलॉट फॉर गिविंग सच अ ग्रेट रिस्पांस वहां पे सो आई एम कंटिन्यूइंग दिस इन एफ एम एज वेल एंड आई एक्सपेक्ट इवन बेटर रिस्पांस देयर सो लास्ट सेशन में मैंने सीए फाइनल एफ में डेरिवेटिव्स से रिलेटेड एक मार्जिन इन फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट वाला क्वेश्चन डाला था

कहा से करेंगे कैसे है वो सब मैं बताऊं उसके पहले प्लीज गाइज सब्सक्राइब कर लेना पेपर अच्छा सिक्स so है, है, अगर आपका बाकी है या इन जनरल फाइनेंस रिलेटेड प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए तो डेफिनेटली दिस इज द चैनल फॉर यू आई हैर्कड इन जेपी मॉर्गन फॉर मोर देन फोर एंड हाफ इज सो डेफिनेटली वो नॉलेज मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करते रहूंगा I have worked there in asset management and and financial due diligence team. So do uh, subscribe it and like करना अगर आपको ऐसे अगर नौसरो के बाद से हमारे को चाहिए कि आप कुछ uh, म्यूचुअल बनाइए या फिर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में बनाइए डू लेट मी नो आई विल मेक video ऑन द सेम प्लस अगर 100 का लाइव बैच आपको अटेंड करना है। है है जुलाई आई एम स्टार्टिंग एंड आपके पास टाइम नहीं तो यू कैन गूगल ड्राइव रिलेटेड टू आप लोग समझ में आई गया है कि 100 में गया कि मार्क्स अपन कितना अच्छा कवरेज कर सकते हैं and and जो अपना स्टाइल है राइट right? चलो आज आ जाते हैं अभी अपन लोग नॉस्त्रो वॉस्त्रो एंड अकाउंट्स के साथ तो मैं ओपन कर रहा हूं ये मेरे नोट्स तो हो सकता है आपके पास मैजिक बुक हो तो मैजिक बुक से आप ओपन कर सकते हो ये वाला चीज कोई प्रॉब्लम नहीं है एंड अगर नहीं है देन आई विल शेयर द पीडीएफ इन द टेलीग्राम लिंक तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखो टेलीग्राम का लिंक दिख रहा है उस पर क्लिक करना है ये वाला पीडीएफ आपको ईजिली मिल जाएगा चलो स्टार्ट करेंगे ऑन दैट नोट विद व्हाट इट इज सो अगेन आई एम टेलिंग यू वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज एट मार्क्स आ सकता है सो so ध्यान से सुनिएगा और इसमें ना कंफ्यूजन होता है कई बार स्टूडेंट को सो so कॉन्सेप्ट्स मैं एकदम प्रॉपरली क्लियर कर दूंगा सो यू विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम एट ऑल जैसा कि यहां पे आपको नाम दिख रहा है दीस आर व्हाट फॉरेन बैंक अकाउंट्स देखो एक बात समझो मेरा और आपका सबका एक बैंक अकाउंट है ठीक है आप लोग आर्टिकलशिप कर रहे हो तो आपका का जो स्टाइपेंड है वो आपके बैंक में जाता होगा मैं आर्टिकल शिप कर रहा हूं तो आई मीन I mean, मेरा बिजनेस है तो मैं भी एक बैंक अकाउंट खुलवाया है वैसे ही बैंक का भी दूसरे बैंक के साथ एक अकाउंट होता है ये आप लोग ने सुना होगा बट वॉट इफ देर इज अंपोर्टर जिसको ट्रांसफर uh, करना है मैं इम्पोर्टर हूं और मैंने ट्रांजैक्शन किया है टोक्यो के किसी एक्सपोर्टर के साथ और मेरे को येन ट्रांसफर करना है या मैं एक एक्सपोर्टर हूं और मेरे को डॉलर रिसीव करना है तो डॉलर के यू you नो know, वहां से वो डॉलर भेजेगा और मेरे को पैसा रुपीज में चाहिए मैं यहाँ से रूपीज दू और सामने वाले को येन मिल जाए मेरा बैंक उसको येन दे दे उसके बैंक को तो ये सब कैसे हो पाएगा वेल इन सच केसेस जहां पे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आर इंटरनेशनल इन नेचर एंड द करेंसीज आर अदर देन द होम करेंसी आपके बैंक बैंक वाले को खुलवाना पड़ेगा फॉरेन बैंक अकाउंट्स एंड इसी फॉरेन बैंक अकाउंट का नाम दिया है नोस्त्रो वॉस्त्रो एंड लॉरो अकाउंट तो आज अगर मैं एच डी एफ सी में जाऊंगा और उसको बोलूंगा कि बॉस मेर, मेरे को डॉलर चाहिए या मैं डॉलर को सेल करना चाहता हूं या फिर मैं इंपोर्टर हूं मेरे को आगे डॉलर भेजना है अमेरिका में देन इन दैट केस दैट एच डी एफ सी बैंक शुड हैव अस्ट्रो अकाउंट विद अदर इंटरनेशनल बैंक एंड तभी ये ट्रांजेक्शन हो पाएगा शुड बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट हर एक बैंक का दूसरे इंटरनेशनल बैंक के साथ अकाउंट्स हो और इस अकाउंट्स को नाम दिया गया है और वॉस्त्रो एज द केस में बी तो से एक एच डी एफ सी बैंक का बैंक ऑफ जापान के साथ अकाउंट होगा वैसे ही बैंक ऑफ अमेरिका जो न्यूयॉर्क में बेस्ड है उसका एक्सिस बैंक के साथ अकाउंट हो सकता है ऑल दीज आर वॉट इंटर बैंक अकाउंट्स बट ऑफ इंटरनेशनल नेचर एंड इनकी अलग करेंसीज में ये बैंक अकाउंट होते हैं तो ये क्या नाम से जाने जाते हैं लैटिन नेम नोस्ट्रो एंड तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्या है ये इंटर बैंक अकाउंट सो इंटर बैंक ट्रांजेक्शन फॉरन एक्सचेंज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट एंड फ्रॉम वन सेंटर टू अनदर सेंटर हो सकता है कि मेरे को पे करना हो सकता है मेरे को रिसीव करना हो देर फॉर बैंक में थ्री टाइप्स ऑफ अकाउंट क्यू इन ऑर्डर टू फेसिलिटेट क्विक ट्रांसफर ऑफ फंड मेन कैच वर्ड ईयर इज क्विक ट्रांसफर ऑफ फंड ठीक है क्विक ट्रांसफर ऑफ फंड ठीक है द मेन कैच वर्ड इज इन डिफरेंट करेंसीज तो अगर अलग अलग करेंसीज में हुआ देन इन दैट केस वी विल हैव टू सी दैट वो बैंक का नोस्त्रो वॉस्त्रो या लोरो अकाउंट है सामने वाले के साथ सो हाउ डज दिस वर्क क्या होता है नोस्त्रो अकाउंट वॉस्त्रो अकाउंट एंड लोरो अकाउंट ध्यान से सुनना अगर मेरा एच डी एफ सी बैंक का एच डी एफ सी मुंबई ब्रांच है मेरा ठीक है मेरा अकाउंट अगर बैंक ऑफ जापान टोकियो के साथ अकाउंट है इन फॉरेन करेंसी मतलब येन में देन इन दैट केस इट इज सेड दैट एच डी एफ सी बैंक हैज अकाउंट विद बैंक ऑफ जापान इन द करेंसी फॉरन करेंसी यन और एक एग्जाम्पल सपोज एक्सिस बैंक न्यू दिल्ली है उसका एक बैंक अकाउंट है विद अमेरिका न्यूयॉर्क एंड इट इज अ डॉलर डिनोमिनेटेड अकाउंट तो इट विल बी सेड दैट एक्सिस बैंक न्यू हैज अकाउंट विद बैंक ऑफ अमेरिका न्यूयॉर्क समझ में आया सो so इसको वर्ड किया दिया है नोस्त्रो आर अकाउंट विद यू एच डी एफ सी मुंबई बैंक अकाउंट विद यू यू कौन है इसमें सामने द अदर इंटरनेशनल बैंक इट इज एन अकाउंट ऑफ डोमेस्टिक बैंक विद फॉरेन बैंक फॉर फॉरेन करेंसी भाई मैं फॉरेन बैंक के साथ अकाउंट क्यों कराऊंगा उनकी करेंसी के लिए ना मेरे पास मेरी करेंसी तो भाई बट मेरे को अगर अकाउंट खुलवाना है देन आई विल ओपन दैट अकाउंट ठीक है अब सुनो क्या हो क्यों मैंने ये अकाउंट खुलवाया अब कोई इंपोर्टर है ठीक है वो एच डी एफ सी बैंक में आया और वो आके बोलता है मेरे को है ना एक लाख येन भेजना है जापान में ठीक है वो इंपोर्टर है ना तो उसको मशीन चाहिए अब मशीन उसको तब भी मिलेगा जब वो आगे जापान में पैसा दे देगा तो वो आया एच और बोलता है मेरे को एक लाख येन ट्रांसफर करना है आप कर सकते हो क्या मैं बोलूंगा यस मेरा बैंक ऑफ जापान में येन अकाउंट है तो मैं ट्रांसफर कर सकता हूं येन तो मैं क्या करूंगा उससे रूपीज में पैसा ले लूंगा ठीक है जितना भी इक्विवेलेंट करेंसी के हिसाब से होता है और फिर बैंक ऑफ जापान जिसके साथ मेरा येन अकाउंट है उसको बोल दूंगा ये लो भाई इतना आपको मैंने येन दे दिया वो सामने आगे मेरी एक्सपोर्टर पार्टी को दे देगा ट्रांजेक्शन डन समझ में आया आपको सो एच डी एफ सी डेली फॉर एग्जाम्पल अकाउंट विद बैंक ऑफ जापान टोक्यो फॉर जापानीज सो इसको बोलते हैं नोस्त्रो अकाउंट So, मैं येन करेंसी में बैंक ऑफ जापान में खुलवा चुका हूं ठीक है तो आपसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास येन करेंसी में मैंने अगर खुलवाया अकाउंट तो ऑब्वियसली मेरे पास अकाउंट में येन पड़े होंगे मेरे पास दस लाख येन पड़े हैं अब मेरे पास इंडिया का बंदा है बोलता है मेरे को एक लाख येन ट्रांसफर करना है तो ये दस लाख में से एक लाख ये ट्रांसफर कर दूंगा यहाँ पे एंड ही विल गिव टू द अदर पार्टी ऑब्वियसली ये एक लाख येन के लिए मुझे सामने वाला तो रुपीज में देगा उसके पास रुपीज में होगा नो no प्रॉब्लम वो मैं मेरे अकाउंट में रख लूंगा क्लियर एवरीबॉडी एक कैसे ट्रांजेक्शन हो रहा है बस तो एक ट्रांजेक्शन समझ में आ गया ना अब बाकी ट्रांजेक्शन इजिली आपको आ जाएगा सेकेंड मेरा क्या है वो अकाउंट भाई जैसे हमारे बैंक ने बाहर वाले के साथ खुलवाया है वैसे ही बैंक ऑफ अमेरिका न्यूयॉर्क भी तो खुलवाएगा एक्सिस बैंक मुंबई के साथ एक अकाउंट दैट विल बी कॉल्ड एज अ वॉस्त्रो अकाउंट दैट विल बी कॉल्ड एज अ वॉस्त्रो अकाउंट इट मींस योर अकाउंट विद अस योर अकाउंट विद अस इट इज एन अकाउंट ऑफ फॉरेन बैंक विद डोमेस्टिक बैंक फॉर डोमेस्टिक करेंसी तो बैंक ऑफ अमेरिका सी बैंक ऑफ अमेरिका जब इंडिया में अकाउंट खुलवा रहा है ना एक्सिस बैंक मुंबई के साथ तो उसके लिए वो नोस्त्रो हुआ पर एक्सिस बैंक के लिए एक वॉस्त्रो अकाउंट हुआ हाँ बैंक ऑफ अमेरिका का मेरे मेरे काउंट है एच डी एफ सी बोलेगा हाँ मेरा बैंक ऑफ जापान में नोस्त्रो अकाउंट है आई होप समझ में आ रहा होगा कोई कंफ्यूजन नहीं है सो एग्जांपल स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक लंडन एज एन अकाउंट विद यूनियन बैंक ऑफ इंडिया मुंबई फॉर इंडियन रूपीज ठीक है अब से फॉर एग्जाम्पल कोई एक्सपोर्टर है लंडन जहा पे मैंने से फॉर एग्जाम्पल मैं हूं मैंने यह कैलकुलेटर लंडन में एक्सपोर्ट किया तो मेरे को पाउंड भेजेगा सामने वाला अब मेरे को तो पाउंड का क्या करना है मेरे को तो रुपी से मतलब है तो वो स्टैंडर्ड लंडन यहाँ पे बोलेगा किसको यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को बोलेगा कि भाई सुन हमारे को एक लाख पाउंड ट्रांसफर करना है एक लाख पाउंड का इंडियन इक्विवेलेंट कितना होता है वो कन्वर्जन करके इंडिया वाले को मिल जाएगा समझ में आ गया आपको सो द्रो अकाउंट वर्क सो एच डी एफ सी मुंबई है टोकियो नॉस्त्रो अकाउंट बैंक ऑफ अमेरिका या स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक लंडन है अकाउंट विद एक्सिस बैंक डेली या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया मुंबई फॉर इंडियन रूपीज इट विल बी कॉल्ड एज अ बोलो बोलो करेक्ट इट विल बी कॉल्ड एज अ वॉस्त्रो अकाउंट एंड लास्ट में आ जाता है मेरा लॉरो अकाउंट सो लॉरो अकाउंट का मतलब क्या होता है देयर अकाउंट विद यू अब देखो जब ये इंटरनेशनल अकाउंट्स ओपन करते हैं ना तो द अमाउंट इज ह्यूज एच फॉर एग्जांपल एचडीएफसी को अगर बैंक ऑफ अमेरिका न्यूयॉर्क के साथ एक अकाउंट खोलना है तो बोलेगा यार मिनिमम एक लाख डॉलर का अकाउंट ओपन करना है अब एक लाख डॉलर मतलब हुआ एटी थ्री लाख रुपीज एटी फाइव लैख रुपीज फॉर एक्साम्पल वन डॉलर इक्वल टू रुपीज एटी फाइव तो एच डी एफ सी बैंक है तो इंडियन बैंक तो इंडियन रुपीज में उसके पास है तो वो इंडियन बैंक इंडियन अपने में ले लेगा, जैसे ये जो कोऑपरेटिव uh, बैंक होती है श्यामराव विट्ठल बैंक सरस्वत बैंक या न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक इनके पास इतना सारा पैसा ना हो कि ये एक नोस्त्रो अकाउंट खुलवा सके तो ये लोग क्या करेंगे ऐसी बैंक के साथ एक लॉरो अकाउंट खुलवाएंगे जिसका आगे नोस्त्रो अकाउंट है तो सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक एक लॉरो अकाउंट खुलवाएगा एच के साथ फॉर डॉलर एंड फिर बाद में उसके बिहाफ पे एच डी एफ सी विल ट्रांजेक्ट विद द बैंक ऑफ अमेरिका तो यहां पे सारस्वत बैंक का जो अकाउंट है विद एच डी एफ सी बैंक इट विल बी कॉल्ड एज अ लॉरो अकाउंट

बट रिफर्ड यूज बाई सारस्वत बैंक हाइडराबाद गड एवरीबॉडी ये देखो वॉस्त्रो अकाउंट कितना मस्त है स्टैंडर्ड चार्टर्ड लंडन राइट सो जब स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने एक रूपी अकाउंट खुलवाया यूनियन बैंक मुंबई के साथ इट वॉज अ वोस्त्रो अकाउंट देन सारस्वत एसबीआई एस बी आई टू सिटी बैंक

कई बार अगर आज आपकी तारीख में आप लोग देखोगे तो सिटी बैंक इंडिया में भी खुल गया है तो सिटी बैंक मुंबई का अकाउंट से एस न्यूयॉर्क के साथ है तो दैट विल बी कॉल्ड एज अकाउंट ध्यान से सुनना सिटी बैंक मुंबई हैज अ डॉलर अकाउंट विद एस बी आई न्यूयॉर्क ब्रांच देन इट विल बी कॉल्ड एज अ नोस्त्रो अकाउंट फॉर सिटी बैंक द अकाउंट विच इज नोस्त्रो फॉर वन बैंक इज वॉस्त्रो फॉर अनादर सीधी सी बात है अगर यहाँ पे एच डी एफ सी बैंक ऑफ जापान के साथ नोस्त्रो अकाउंट खुलवा रही है तो बैंक ऑफ जापान क्या बोलेगा नोस्त्रो अकाउंट टू सेटल फॉरन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन दीज टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन आर इंक्लूडेड इन द लॉरोउंट जो अभी अपना डिस्कस हुआ एग्जाम्पल एस बी आई अकाउंट हैजाउंट विथ सिटी बैंक बट सारस्वत बैंक डजेंट है लोरो का मतलब एकदम कॉन्सेप्टअली लॉजिकली क्लियर हो गया होगा जैसा मैं बोला अगर आपको ये चाहिए case, आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल में जो डिस्क्रिप्शन अपना कमेंट बॉक्स पे दिया है यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम दैट अब इसको नेक्स्ट लेवल पे आगे पढ़ते हैं टू फॉर्मैट चलो विथ दिस बेसिक अंडरस्टैंडिंग अब इसको लेके चलते हैं नेक्स्ट लेवल पे एंड दैट इज कॉल्ड एज एक्सचेंज पोजिशन एंड कैश पोजिशन सर ये क्या होता है अस नो तो देखो आप लोग ने सब लोग ने बी आर एस किया बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बस वैसा ही कुछ सिनारियों समझ लो देखो एक होता है बैंक पासबुक ठीक है जहां पे बैंक के अंदर एक्चुअली जो ट्रांजैक्शन हुआ है जो भी चेक डिपॉजिट हो गया है चेक विड्रॉ हो गया है और बैंक में प्रेजेंट हो गया है वो चेक तो उसका एंट्री बैंक, बैंक के पासबुक में आ ही जाता है यू वुड नो दैट मच बेसिक सो बैंक के पास जो मेरा अकाउंट है उसका जो ट्रांजेक्शन है वो मेरे को वो पासबुक में दिखता है अभी फॉर एग्जाम्पल आज मैं किसी को चेक इशू कर देता हूं ध्यान से सुना मेरी बात को ये बेस फाउंडेशन ले डाउन कर देगा सपोज आज मैं मेरे किसी क्लाइंट को चेक इशू कर देता हूं तो मैं मेरे अकाउंट में तो एंट्री पास कर दूंगा क्या चेक इशूड मेरे अकाउंट में से उतना माइनस कर दूंगा बट क्या बैंक भी वो एंट्री पास कर देगा द आंसर इज दू जब तक वो क्लाइंट बैंक में जाके वो चेक को प्रेजेंट नहीं करता है और प्रेजेंट होने के बाद वो अकाउंट से मेरे डेबिट नहीं हो जाता है टिल दैट टाइम एंट्री विल नॉट बी पास बाय द बैंक राइट अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई चेक डिपॉजिट करने के लिए आज डाला अब अगर आज मैं चेक डिपॉजिट कर रहा हूं तो दो दिन बाद मेरे अकाउंट में क्रेडिट होगा बट मैं मेरे बैंक का जो मेरा पर्सनल जो मैंने मेंटेन किया हुआ मेरा बैंक अकाउंट उसमें तो मैं एंट्री पास कर दूंगा आज ही चेक डिपॉजिटेड भाई पैसा आ गया बट बैंक दो दिन बाद जब रियल में पैसा आएगा तब वो मेरे अकाउंट में क्रेडिट करेगा क्या ये बेसिक अपने को पता है? लिखा है पासबुक और जो मैं मेरे पास करता हूं जहां पे चेक इश्यू किया चेक डिपॉजिट किया कुछ भी तो फिर भी मैं मेरे अकाउंट में उसको एंट्री मार देता हूं उसको बोलते हैं एक्सचेंज पोजिशन आर ओन अकाउंट एच डी एफ सी का जो रियल अकाउंट है भाई जहां पे बैंक का एक्चुअल ट्रांजेक्शन हो रहा है say, HDFC ने दूसरो अकाउंट ओपन करवाया बैंक ऑफ जापान टोक्यो के साथ तो वहां पे जो रियल ट्रांजेक्शन हो रहा है दैट बेसिकली विल बी कॉल्ड एज द कैश पोजिशन एंड यहां पे ये जो मेरा पोजिशन अकाउंट uh, है दैट बेसिकली इज कॉल्ड एज एक्सचें पोजिशन और आर ओन अकाउंट कॉल्ड एज द बैंक अकाउंट कॉल्ड कॉल्ड एज द बैंक अकाउंट समझ में आ गया सो so, अब समझ में आ गया होगा एक्सचेंज पोजीशन कैश पोजीशन कैश पोजीशन में रियल अकाउंट में अगर आया रियल अकाउंट से अगर गया तो ही एंट्री होगा समझ में आई है बात एक्सचेंज पोजीशन में मैंने किसी को कमिट किया कि मैं भाई तेरे को पैसा दूंगा तो भी मैं एंट्री पास कर दूंगा और फिर वो कमिटमेंट हम लोग का नहीं हो पाया और मैंने वो चेक कैंसिल कर दिया तो मैं वो एंट्री रिवर्स कर दूंगा इन शॉर्ट जो भी ट्रांजेक्शन रियल नहीं मतलब रियल बैंक में आया गया वो तो मैं कर ही दूंगा बट अदर देन दैट ऑल्सो इफ देर इज अ ट्रांजेक्शन दैट विल ऑल्सो भी रिफ्लेक्टेड इन द एक्सचेंज पोजिशन अकाउंट क्लियर सो रियल डेबिट क्रेडिट जब होगा रियल एक्सचेंज का फॉरेन एक्सचेंज का फॉरन करेंसी का डेबिट क्रेडिट जब होगा रियल डेबिट या रियल क्रेडिट जब होगा दैट इज कॉल्ड एज कैश पोजिशन बट ये काइंड ऑफ अपन लोग जो अक्रूवल बोलते हैं आइडिया देने के लिए बोल रहा हूं ये वो है आप ये कैश पोजिशन ये आपका वो एक्सचेंज पोजिशन अब देखो इधर टोटल परचेज और सेल कमिटमेंट ऑफ बैंक टू परचेज और सेल स्पॉट और फॉरवर्ड करेंसीज इक्टिव वेदर एक्चुअल डिलीवरी हैज टेकन प्लेस और नॉट ये इसका कैच वर्ड है और इसका जब एक सम करेंगे ना तो थोड़ा यू कैन से रियल फील आएगा कि हाँ यार समझ में आ गया है अपने को सो एक्चुअल डिलीवरी हैज टेकन प्लेस और नॉट एक्सचेंज पोजिशन में एंट्री आ जाएगा अगर हम लोग ने कमिटमेंट भी कर दिया है तो चल भाई तेरे को चेक इश्यू कर दिया कमिटमेंट कर दिया तो भी एक्सचेंज पोजिशन में एंट्री आ जाएगा कैश पोजिशन में कब आएगा जब रियल में करेंसी आया है या गया है तब क्लियर एवरी डन सर समझ में आ गया so, ये में कैश बेसिस ये actual, मैं इसको maintain, kind of के, के हिसाब से इसको में बी आर एस अकाउंटिंग बैंक अकाउंट विद कैश बैंक अकाउंट एक्सचेंज पोजिशन बैंक अकाउंट पासबुक वो है मेरा कैश पोजिशन क्लियर एवरी वन समझ में आ गया है अब ये वाला एक लाइन वापस से पढ़ लो एक्सचेंज पोजिशन इज द बैलेंस of aggregate purchase and sales made by the bank in particular currency it is an overall position in a particular currency purchase sales whether uh, spot forward are included in computing the exchange position cash position is the balance outstanding in bank's nostro account abroad the stock of foreign currency real may held by the bank in the form of balances in the foreign center

अब ये एक्सचेंज पोजीशन और आ, कैश पोजीशन के लिए मैं एक सम करवाने वाला हूं बट उसके पहले यू नो व्हाट आई वांट मैं आप लोगों को एक छोटा सा एग्जांपल दे दू और फिर अपन लोग आईसीआई के मॉड्यूल का सम करेंगे जो आपको यहां पे दिख जाएगा मैं आपको मॉड्यूल में भी चाहिए तो उसका पेज नंबरिंग दे दूंगा एंड मतलब एकदम सही तरीके से आपको समझ जाएगा वो नोस्त्रो वॉस्त्रो लॉरो प्लस उसका प्रैक्टिकम सम सॉल्विंग कैसा होता है आओ दिखाता हूं ऐसा so, so, सोचो कि आपका दो अकाउंट बनता है जैसा मैंने आप लोगों को बताया एक बनता है अकाउंट है वो ठीक है इसको प्यार से नोस्त्रो अकाउंट भी बोलते हैं ये मेरा रियल अकाउंट है जो मेरे बैंक के साथ खुला है सो so, से फॉर एग्जांपल मैं एच डी एफ सी बैंक और मैंने बैंक ऑफ अमेरिका के साथ या बैंक ऑफ जापान के साथ अगर कोई अकाउंट खुलवाया है तो ये वो नोस्त्रो अकाउंट है एंड एक मेरा अकाउंट होता है जिसको मैं बोलता हूं एक्सचेंज पोजीशन जिसको मैं बोलता हूं एक्सचेंज पोजीशन अब सुनो कुछ एंट्रीज पास हुई और उस एंट्रीज का अपने को जवाब देना है तो चलो देखते हैं क्या आ, एंट्रीज पास हुई है सिर्फ फॉर एग्जाम्पल पहली एंट्री पास हुई है चेक इशूड ठीक है चेक इशूड अब इधर अपन इसको टी फॉर्म में ना के अपन लिखते हैं भाई कितना डेबिट आया कितना क्रेडिट आया या कितना इनफ्लो आया और कितना आउटफ्लो गया इधर भी मैं कैश पोजीशन में भी वही सेम चीज बना देता हूं भाई कितना मेरा इनफ्लो है कितना मेरा आउटफ्लो है इनफ्लो एंड आउटफ्लो विल कीप इट सिंपल अब जैसे ही मैंने चेक इश्यू किया आई इसे मेरे लिए तो आउटफ्लो हो गया तो जैसे ही मेरे लिए आउटफ्लो हुआ मैं तो यहां पे एंट्री पास कर दूंगा बट क्या सेम एंट्री कैश पोजिशन में पास होगा क्या द आंसर इज नो कैश पोजिशन में तो तब एंट्री पास होगा जब रियल में चेक इश्यू होके उस सामने वाले पार्टी के अकाउंट में पैसा चले जाएगा तो देर आर गोइंग टू तो बी फ्यू एंट्रीज जो खाली एक्सचेंज पोजिशन में होगी कैश पोजिशन में वो एंट्रीज नहीं होगी क्योंकि रियल कैश इनफ्लो या आउटफ्लो नहीं हुआ है समझ में आ गया समझो मेरा दूसरा चेक डिपॉजिटेड अब इनफ्लो है मैं तो आज ही ये एक्सचेंज पोजीशन में एंट्री पास कर दूंगा बट कैश पोजीशन में जब तक नहीं आएगा तब तक ये एक्चुअल में प्रेजेंट नहीं हो जाता है बैंक को एंड मेरे अकाउंट में पैसा नहीं आ जाता है वैसा से फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने यहां पे एक एंट्री ये दिखाया कैश डिपॉजिटेड अब कैश डिपॉजिट जैसे ही मैंने किया मैं मेरे एक्सचेंज पोजीशन में जाके एंट्री मार दूंगा इनफ्लो क्योंकि कैश डिपॉजिट हो गया है एट द सेम टाइम कैश पोजीशन में वहां पे मेरा जो रियल पासबुक वाला अकाउंट है वहां पे भी एंट्री आ जाएगा कैश डिपॉजिटेड क्योंकि ये एक्चुअल मेरा यहां पे भी एंट्री इनफ्लो का आ रहा है क्या अब आप लोगों को समझ में आ गया से मैं वापस से और थोड़ा इसको टेक फॉरवर्ड करता हूं और, और एक एंट्री लिखता हूं से कैश विड्रॉन कैश समझो मैंने कैश विड्रॉ किया अब जैसे ही मैं कैश को विड्रॉ करता हूं अगेन क्या हो गया आउट हो गया बट क्या कैश विड्रॉ रियल में मेरे जो बैंक अकाउंट है बैंक ऑफ अमेरिका के पास या बैंक ऑफ जापान के पास वहां से भी निकल जाएगा द आंसर इज नाउट आंसर इज ऑब्वियसली यस क्योंकि वहां पे ही तो मैं बोल रहा हूं भाई चलो कैश दे दो तो यहाँ पे भी वो लोग पास कर लेंगे एंट्री कैश विड्रॉ वहां से भी मेरा निकल जाएगा समझ रहे हो तो कुछ एंट्रीज है कुछ एंट्रीज है जो मेरी दोनों जगह पास होगी बट कुछ एंट्रीज है जो मैं खाली एक्सचेंज पोजीशन में ही पास करूंगा सो so, कैसे आइडेंटिफाई करना है उसके लिए अब मैं आप लोग के साथ ले रहा हूं एक सम एंड लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ लेट्स सॉल्व दिस कांसेप्ट विद द हेल्प ऑफ अ सम सो वी कैन गेट दिस फ्रॉम देखो अगर आपके पास uh, मेरी बुक है ऑप्टिमाइज्ड बुक या मैजिक बुक तो तो आपको ये मैं सीधा बता देता हूँ मिल जाएगा आपको एक या फिर आपके पास मॉड्यूल है कोई भी बुक है कहीं से भी मिल जाएगा है। बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है ये तो चलो आप देखते क्वेश्चन ये ये ठीक है इसमें अपने को दोनों अकाउंट ओपन करना है एक्सचेंज पोजिशन वाला अकाउंट भी और कैश पोजिशन वाला अकाउंट भी इसके लिए मैं ये वाला सम करवाना अगर आपको मॉड्यूल का रेफरेंस चाहिए तो मॉड्यूल का भी रेफरेंस आप ले सकते हो यहाँ पे आपको ये सेम क्वेश्चन मॉड्यूल में भी मिल जाएगा, ठीक तो, है तो प्लीज ओपन एंड लेट्स स्टार्ट वैसे ये कुछ नहीं ओपन किया आप लोग मेरे साथ देखते रहो यहाँ पे सब चीजें दी हुई है और मैं एक एक पॉइंट एक्सप्लेन करूंगा इजीली आप लोग का हो जाएगा नॉट टू वरी ठीक है सो लेट्स रीड द क्वेश्चन यू एज अ डीलर इन फॉरन एक्सचेंज पोजिशन इन स्विस फ्रैंक्स On 31st October 2009, balance in Nostro credit account 1 lakh Swiss francs. अब ये क्या होता है? बैलेंस इन नोस्त्रो क्रेडिट अकाउंट ये होता है आपका कैश पोजीशन मैंने बोला था ना आपको देखो नोस्त्रो अकाउंट मतलब ये आपका रियल वो जो अकाउंट है यह देखो मैंने इधर आपको बना के दिया है कैश पोजीशन दिख रहा है आपको गाइस ये है आपका रियल जो आपने अकाउंट खुलवाया है ना कोई और बैंक में दैट इज दैट रियल पोजीशन सो दैट इज योर नोस्त्रो अकाउंट तो ये आ जाएगा आपका कैश पोजीशन। फिर ओपनिंग पोजीशन ओवर बॉट क्या आ जाएगा ये आ जाएगा आपका एक्सचेंज पोजीशन। ओवर बॉट ओवर सोल्ड बिकॉज यहां पे कैसा है ना इन केस ऑफ एक्सचेंज पोजीशन। अभी सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूं आपने कोई आप बैंक हो ठीक है आपने कोई फॉरवर्ड परचेज का डील किया है या आपने कोई फॉरवर्ड सेल का डील किया है अब फॉरवर्ड परचेज या फॉरवर्ड सेल एग्जीक्यूट तो बाद में होने वाला है से दो महीने बाद तीन महीने बाद फॉरवर्ड परचेज सेल जो आपने एग्जीक्यूट किया है जो आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है एग्जीक्यूट तो तो बाद बाद में होने दो बाद होने वाला वाला है है महीने तो वो वैसे टाइप की एंट्रीज कैश पोजीशन में आएंगी क्या द आंसर इज नो सर वो एंट्रीज कैश पोजीशन में नहीं आएगी बिकॉज कैश पोजिशन में तो रियल जो एंट्रीज हो रही है वो आएगी ये तो खाली एक हम लोग ने कॉन्ट्रैक्ट किया है किसी के साथ ये दो महीने बाद किसी के साथ फॉरवर्ड परचेज करेंगे या सेल करेंगे तो वैसा पोजीशन अगर होता है ना सो दैट रिफ्लेक्ट्स ओवर ओवर बॉट पोजिशन ओवर सोल्ड पोजिशन एक्सचेंज अकाउंट कैश अकाउंट है वैसे ही वो हो जाएगा आपका एक्सचेंज अकाउंट कैश पोजिशन इधर कैश पोजिशन अकाउंट तो ये हो जाता है आपका एक्सचेंज पोजिशन अकाउंट समझ में आ गया आप लोगों को गाइस इसको बोलेंगे एक्सचेंज इसी में होगा ना ओपनिंग पोजिशन ओवर बॉट ओवर सोल्ड और वो सब चीजें यहाँ पे पॉसिबल है चेक इशू कर दिया डिपॉजिट है ये सब कोई चीजें हवा में है कॉन्ट्रैक्ट हवा में है वो सब भी मेरे एक्सचेंज पोजीशन के सिनेरियो में आ जाएंगे नेक्स्ट

बुक में एक फॉर्मेट भी बना के दे दिया है मैजिक बुक में वो भी आप फिर रेफर करोगे ना यू विल बी थ्रू ये सारी चीजें अगर आपके पास मैजिक बुक नहीं है तो टेलीग्राम के लिंक पे मिल जाएगी ओके okay? चलो लेट्स नाउ कंटिन्यू तो अब मैं यहाँ पे क्या बोला कि दो अकाउंट्स में ओपन करने वाला हूं एक ओपन होने वाला है मेरा एक्सचेंज पोजिशन का ये एक्सचेंज पोजिशन का थोड़ा बड़ा अकाउंट होगा तो इसको अपन लोग थोड़ा बड़ा करेंगे राइट right? ये मेरा एक्सचेंज पोजीशन का अकाउंट हो गया भाई एक परचेज वाला एक सेल वाला ठीक है और फॉरेन करेंसी यहां पे याद रखना फॉरेन करेंसी का बात चल रही है ठीक है दूसरा मैं अकाउंट ओपन करूंगा मेरा कैश पोजीशन के लिए दूसरा अकाउंट ओपन करूंगा मैं मेरे कैश पोजीशन के लिए ठीक है ठीक है अब से फॉर एग्जांपल यहां पे अब मैं लिखता हूं एक्सचेंज पोजीशन ठीक है दो चीज एक परचेज दूसरा सेल अच्छा कौन सा करेंसी चल रहा है स्विस फ्रैंक्स ये सब छोटी छोटी चीज पे ध्यान देने का तो परचेज क्या स्विस फ्रैंक्स या फिर सेल क्या स्विस फ्रैंक परचेज स्विस फ्रैंक या फिर सेल क्या स्विस फ्रैंक समझ में गया ये इधर मैं लिख देता हूं एक्सचेंज पोजीशन ठीक है दूसरा कैश पोजीशन ठीक है कैश पोजीशन और यहां पे देखो ये अपना रियल जो अपन लोग अकाउंट खुलवाते हैं ना किधर ये वो है तो इधर अपन लोग लिखेंगे भाई कितना क्रेडिट हुआ है और कितना डेबिट हुआ है सबसे पहला क्वेश्चन में चीज जो उसने बोला है दैट इज बेसिकली कैश पोजीशन वन लैख स्विस फ्रैंक मेरे में बैलेंस पड़ा है क्रेडिट वेरी गुड सो इधर मैं लिख दूंगा ओपनिंग बैलेंस और वो भी क्रेडिट में है तो कितना वन लैक इधर ब्रैकेट में लिख देंगे अपन लोग ये सब हम लोग बना रहे हैं स्विस फ्रैंक के लिए ये सब हम लोग बना रहे हैं स्विस फ्रैंक के लिए क्लियर है ओपनिंग पोजिशन ओवर बॉट सो यहां पे लिखना है अभी मेरे को ओपनिंग पोजिशन ओवर बॉट बट कहां पे आएगा सर सबसे बड़ा क्वेश्चन ओपनिंग पोजीशन ओवर बॉट नाम से समझ रहे हैं क्या होगा ये Correct. अगर आपने कोई चीज बाय की है तो कहना आप परचेज में करते हो यहां पे आप लिख दोगे और इसका मतलब क्या है क्या होगा इसका मतलब पता है कि फॉर एग्जांपल सपोज एक ही मैंने ट्रांजैक्शन किया है पूरे एक महीने में लास्ट एक महीने में खाली एक ही मैंने ट्रांजैक्शन किया और उसमें एक मैंने क्या क्या बताया मैंने ट्रांजेक्शन एंटर किया फॉरवर्ड परचेज का ऑफ द अमाउंट फिफ्टी थाउजेंड फ्रैंक्स तो मैंने अगर फिफ्टी थाउजेंड फ्रैंक्स का अगर मैंने फिफ्टी था अलग से लिखने की जरूरत नहीं की है बाई इधर सब स्विस फ्रैंक ही है अगर मैंने फिफ्टी थाउजेंड फ्रैंक का फॉरवर्ड परचेज का अग्रीमेंट किया है देन इन दैट केस कैन आई से मैंने उसको बाय किया बाय करने वाला फॉरवर्ड परचेज है और मैंने कोई ट्रांजेक्शन नहीं किया तो इट इज शोइंग ओवर बहुत सिंपल क्लियर है डन अब आगे परचेस्ड अ बिल ऑन ज्यूरिक अब आपने एक बिल परचेज किया है ऑन ज्यूरिक इसका मतलब क्या होता है अगेन आई एम टेलिंग यू व्हाट दिस मींस इसका मतलब है आपके पास कोई क्लाइंट आया बिल लेके बिल डिस्काउंटिंग याद है चलो मैं ये भी आप लोगों को प्रैक्टिकली बता देता हूं कैसे होता है सपोज अपने पास कोई कस्टमर है देखो अपन कौन है वी आर यू आर अ डीलर इन फॉरन एक्सचेंज आप एक बैंक हो भूल मत जाना ये बात ठीक है ना अपने को आदत नहीं है ये सोचने का तो अपन वो कनेक्ट नहीं कर पाते कई बार यू आर अ बैंक हेलो ठीक है से आप है एच डी एफ सी बैंक एक खाली एग्जाम्पल वापस से दे रहा हूं और आपने एक नोस्त्रो अकाउंट खुलवाया है नोस्त्रो अकाउंट खुलवाया है स्विस फ्रैंक्स का से स्विस बैंक में ठीक है स्विस बैंक में आपने एक नोस्त्रो अकाउंट खुलवाया है ओके दिस इज कंफर्टेबल आप बैंक हो आप बैंक हो ये अपने दिमाग में घुसा लो आप कौन हो आप एक फॉरेन डीलर आप एक एक्सचेंज बैंक हो एच बैंक हो आप आपने स्विस बैंक में अकाउंट खुलवाया है अब सुनो क्या हो रहा है आपके साथ ठीक है एक कस्टमर आया आपके पास ठीक है ये कस्टमर कौन था पता एक्सपोर्टर था तो इधर लिखते अपन आपके पास एक आया एक्सपोर्टर दो मिनट ध्यान से सुना एक बार ये बोलते ना ये ये थॉट प्रोसेस दिमाग में घुस जाएगा ना फिर नथिंग कैन स्टॉप यू फ्रॉम गेटिंग फंडामेंटल क्लियर आपके पास एक, एक एक्सपोर्टर आया और एक्सपोर्टर के पास था एक बिल ऑफ एक्सचेंज हो सकता है इस एक्सपोर्टर ने कुछ एक्सपोर्ट किया हो से यूके में ठीक है स्विस फ्रैंक्स में तो इसने से जर्मनी में या स्विट्जरलैंड में कुछ एक्सपोर्ट किया स्विट्जरलैंड में स्विस फ्रैंक में कुछ एक्सपोर्ट किया से वन स्विस फ्रैंक का मशीन एक्सपोर्ट किया अब जैसे ही इस बंदे ने स्विट्जरलैंड में एक्सपोर्ट किया ऑब्वियसली उसको पैसा चाहिए तो इस बंदे ने क्या बोला पता है क्या उसने बोला कि सुन मैं तेरे को एक बिल ऑफ एक्सचेंज देता हूं और इस बिल ऑफ एक्सचेंज में लिखा दैट ये वन स्विस फ्रैंक है जो मैं तेरे को तीन महीने बाद दूंगा जो मैं तेरे को तीन महीने बाद पे करूंगा तो अभी उसने बोला कि यार देख मेरे को तो पैसा चाहिए एक्सपोर्टर है जो इंडिया में ऐसा सोचो ना आप इंडिया के एक्सपोर्टर हो आपने स्विट्जरलैंड में कोई मशीन एक्सपोर्ट किया तो आपको तो पैसा चाहिए ना एक लाख स्विस फ्रैंक बट सामने वाला बोल रहा है एक लाख अभी का अभी नहीं दे सकता तीन महीने बाद मैं तेरे को एक लाख का स्विस फ्रैंक दे दूंगा तू टेंशन मत ले तो मैंने बोला कि ठीक है बट मेरे को तो आज का आज ही पैसा चाहिए मैं क्या करूं तो मैंने गया एच डी एफ सी बैंक के पास मैं आया एच डी एफ सी बैंक के पास और मैं बैंक को बोला कि सुनो ना बैंक मैं आपको ये एक बिल ऑफ एक्सचेंज दे रहा हूं मैं आपको ये बिल ऑफ एक्सचेंज दे रहा हूं एक लाख स्विस फ्रैंक का मैं आपको ये बिल ऑफ एक्सचेंज दे रहा हूं एक लाख स्विस फ्रैंक का आप ये बिल ऑफ एक्सचेंज रख लो और मुझे ये एक लाख स्विस फ्रैंक के सामने कितना रुपया होता है तो से फॉर एग्जांपल एक, एक स्विस फ्रैंक का अपन लोग लेते हैं से एट्टी तो लाख रुपीज अभी का भी दे दो बैंक बोलेगा मेरा क्या फायदा तो आप बोलते हो कि ऐसा करो पांच टाका कमीशन इसमें आप काट लो सो पांच परसेंट माइनस कर दिया अपन ने तो एटी में से पांच परसेंट माइनस हुआ तो बचा कितना सेवेंटी सिक्स लैख तो यहां पे 76 लाख रुपीस बैंक ने दे दिया अब बैंक के पास क्या आ गया बैंक के पास आ गया वन लैख फ्रैंक। समझ गए अब तीन महीने बाद यह बिल लेके अब यह बिल आ गया ना बिल ऑफ एक्सचेंज आ गया यह बिल लेके ये बैंक जाएगा इस स्विट्जरलैंड के कस्टमर के पास और बोलेगा चल भाई मेरे को स्विस फ्रैंक दे दे तो इन शॉर्ट बैंक के पास तीन महीने बाद क्या आ जाएगा स्विस फ्रैंक तो अब तीन महीने बाद वो स्विस फ्रैंक आने वाला है तो कैश पोजीशन में तो एंट्री नहीं आएगा बट कैन आई एग्जैक्टली वी विल बी राइटिंग यहाँ अ बिल ऑन ज्यूरिंग समझी गई ज्यूरिंग क्या है स्विट्जरलैंड का कैपिटल सो परचेस्ड अ बिल अ ब्यूटिफुल प्लेस परचेस्ड अ बिल ऑन ज्यूरिंग कितने का बेटा खरीदा? समझ में आ गया ना मैं एच डी एफ सी बैंक मेरे पास एक कस्टमर है जो एक्सपोर्टर है उसने एक्सपोर्ट किया एक लाख स्विस फ्रैंक जितना वो आया आज मेरे पास बोला देखो मेरे पास एक लाख स्विस फ्रैंक का बिल है मैं बोला हाँ मेरे को दे देना ठीक है तो अब उससे मैं एक लाख स्विस फ्रैंक का बिल ले रहा हूं तो सामने उसको पैसा देना पड़ेगा बट उसके बिहार पे मैं ये रिस्क ले रहा हूं तो उसका कमीशन मैंने मेरा कमीशन काट के उसको दे दिया मुझे पता है तीन महीने बाद मुझे एक लाख स्विस फ्रैंक आने वाला है बहुत बढ़िया यहाँ पे मैंने वो एंट्री पास कर दिया परचेज बिल ऑन ज्यूरी समझ में आ गया कनेक्शन क्यों मैंने कैश पोजीशन में नहीं किया क्योंकि अभी खाली बिल है अभी ये हाथ में खाली बिल है एक लाख स्विस फ्रैंक आ गया क्या नहीं तीन महीने बाद जब आएगा तो मारेंगे ना कैश पोजिशन में एंट्री किसने बनाई फिलहाल आज के हिसाब से एंट्री मारना है तो मैं खाली एक्सचेंज पोजीशन में मारूंगा मुझे पता है आप लोग समझ गए कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स ओपन है कभी डाउट आता है देन इन दैट केस आई एम जस्ट वन व्हाट्सएप ओवे यू कैन जस्ट ड्रॉप मी व्हाट्सएप विद योर डाउट हो सकता है मैं आपके व्हाट्सएप को इमीडिएटली रिप्लाई ना करूं तो आप दो या तीन या चार या पांच बार मुझे रिमाइंड कर दो मैं रिप्लाई करूंगा मुझे गुस्सा नहीं आएगा अगर आप मुझे बार बार रिमाइंडर मैसेज भेजोगे तो बिकॉज आई एम सो बस और भूलना आप मत आपने एक मतलब टेलीग्राफिक ट्रांसफर सो so, आपने एक फॉरवर्ड सेल किया है जब आप फॉरवर्ड सेल करते हो तो फ्यूचर में आपको उतना पैसा देना पड़ेगा सेल कर रहे हो आप अरे बोलो यार आप बैंक को आपने फॉरवर्ड सेल किया है दस दिन बाद देने वाले हाँ तो क्या ये कैश में एंट्री आएगा नहीं सर बट एक्सचेंज पोजिशन में आ जाएगा हाँ कितना सिक्सटी थाउजेंड सेल किया है तो मेरे अकाउंट से जाने वाला है आज नहीं तो कल तो यहाँ पे आ जाएगा सोल्ड फॉरवर्डी सोल्ड फॉरवर्ड कितना, कितना? एक्स्ट्रा ध्यान देने का पब्लिक क्या करता है घाई घाई नहीं अरे मेरे को जल्दी समझना है फटाफट सब करना है उसमें ना बेस कॉन्सेप्ट को डिले मतलब फटाफट समझने के बाद जो इंपॉर्टेंट बड़ा कॉन्सेप्ट होता है ना वो नहीं समझ पाते उससे अच्छा बेस टाइम दो थिंग्स विल ऑटोमेटिकली ग्रो विद स्मूथनेस नेक्स्ट फॉरवर्ड परचेज कॉन्ट्रैक्ट कैंसल फॉरवर्ड परचेज कॉन्ट्रैक्ट को कैंसल किया तो सबसे पहले तो फॉरवर्ड परचेज किया होगा कोई और महीने में बराबर उसका एंट्री पास हो गया होगा क्या एंट्री पास हुआ होगा फॉरवर्ड परचेज का चलो बता दो फॉरवर्ड परचेज तो परचेज का एंट्री तो डेब मतलब तो परचेज में आया रहेगा अब वो कैंसल हो गया है तो सेल में जाएगा बहुत बढ़िया तो फॉरवर्ड परचेज कैंसल हाँ भाई कितना थर्टी थाउजेंड ओके सर फॉरवर्ड परचेज कैंसल सेल में क्यों गया क्योंकि पहले फॉरवर्ड परचेज परचेस में आ चुका है सर कोई और महीने में अब उसको ऑफसेट कर दिया सेल में डाल के चलो सर समझ गए नेक्स्ट नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं अगेन ये फॉरवर्ड है इसके लिए कैश में तो नहीं आएगा इसका एंट्री तो भी नहीं आया होगा फॉरवर्ड के हो तो मतलब टाइम मतलब पे अभी कैंसिल ने ट्रांसफर कर दिया ना किसी को पैसा तो उसको बोलते हैं टेलीग्राफिक ट्रांसफर पुराने जमाने में आज की तारीख में आप क्या बोलोगे भाई तेरे को है ना मैंने फोन पे से पेमेंट कर दिया तो रेमिटेड बाय फोन पे लिखूंगा तो समझ जाएगा तुमको रेमिटेड बाय जीपे लिखूंगा पेटीएम लिखूंगा तो तुमको समझ जाएगा वैसे ही पुराने जमाने में होता था टी टी बस एक जरिया है पैसा ट्रांसफर करने का तो अभी देखो क्या बोला रेमिटेड मतलब कहना इसे आपने दिया आपने दिया तो आपके अकाउंट से गया क्या ये रियल ट्रांजेक्शन है यस रियल में मैंने दिया है कितना दिया है सेवेंटी फाइव थाउजेंड सेवेंटी फाइव थाउजेंड रियल में HDFC डी एफ बैंक ने रियल में किसी को रेमिट किया है कितना सेवेंटी फाइव थाउजेंड स्विस बैंक तो पहले इधर एक एंट्री मार लो और ये बहुत हिस्टोरिक एंट्री है क्योंकि ये दोनों जगह पे आएगा तो पहला इधर रेमिटेड बाय टी टी रेमिट किया है कितना सर सेवेंटी फाइव थाउजेंड तो सेवेंटी फाइव थाउजेंड फटाफट लिख देंगे सेवेंटी फाइव थाउजेंड फटाफट लिख देंगे लिख दिया सर लिख दिया अब उसके बाद कैश पोजीशन में भी इसका एंट्री आएगा हाँ सर आएगा कैश पोजीशन में भी इसका एंट्री आएगा क्या, क्या क्या किया है हम लोग ने रेमिट किया है रेमिटेड बाय टीटी रेमिट किया है मतलब हम लोग ने सेल कर दिया तो मेरे पास एक लाख स्विस फ्रैंक था उसमें से मैंने सेवेंटी फाइव थाउजेंड रेमिट कर दिया सेल कर दिया दे दिया मेरे किसी क्लाइंट को तो ये हो गया सेवेंटी डेबिट में समझ में आ रही है आपको बातें एकदम अच्छी तरह से बस यही चाहिए मेरे ने को नेक्स्ट ड्राफ्ट ऑन ज्यूरिक मार्क दिस एज द मोस्ट एडजस्टमेंट इसलिए क्योंकि जब मुझे याद है जब मैं फर्स्ट टाइम इस ये वाला एडजस्टमेंट मैंने किया था मैंने यहाँ पे मिस्टेक किया था मैं एक चीज समझने में गलती कर दिया था एंड मिस्टेक किया था बट आई डोंट वांट यू टू हैपन सो अगेन इसको भी मैं प्रॉपरली एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करूंगा आप हाँ. सो इट इज ड्राफ्ट ऑन ज्यूरिक कैंसिल ये अगर आप लोगों को ये परचेज समझ में आया होगा ना देन इन दैट केस ड्राफ्ट बहुत इजीली समझ में आ जाएगा जैसे अपन लोग ने परचेज बिल किया था तो अपन लोग ने कहना इसे परचेज करने वाले अपन लोग स्विस फ्रैंक परचेज साइड पे लिख लिया कि हमें अपने को स्विस फ्रैंक मिलने वाला है फ्यूचर में वैसे ही क्या होता है पहले क्या पहले होता है ड्राफ्ट इशू ठीक है ड्राफ्ट इशू का मतलब होता है आपने सेल किया है स्विस फ्रैंक आपने सेल किया है स्विस फ्रैंक अब देखो क्या होता है यहां kind of का मतलब आपने सेल किया है फॉरेक्स हो सकता है कोई इंपोर्टर आया आपके पास और इंपोर्टर बोल रहा है कि यार आ, मेरे को है ना एक लाख स्विस फ्रैंक तीन महीने बाद स्विस मतलब एक मेरा क्लाइंट है उसको पहुंचाना है ठीक है ना इंपोर्टर है ध्यान से समझना आप लोग इंपोर्टर है तो इंपोर्टर हैज टू पे तो ये जो इंपोर्टर है ही हैज ही हैज टू पे टू द क्लाइंट अब से फॉर एग्जांपल इसको क्लाइंट को पे करना है 30000 स्विस फ्रैंक ठीक है 30000 स्विस फ्रैंक ये बैंक के पास गया मेरे पास आया मतलब एचडीएफसी बैंक के पास आया और बोला कि यार सुनो ना मेरे को आप uh, थर्टी थाउजेंड फ्रैंक भेजना है तीन महीने बाद तीन महीने बाद मेरे को थर्टी थाउजेंड तो हो सकता है बैंक ने इसको एक डील दिया था रुपीज, रुपीज पर फ्रैंक के हिसाब से तो होता है तेरा टोटल ट्वेंटी फोर लैख मुझे ट्वेंटी फोर लैख रूपीज अभी दे दे तीन महीने बाद थर्टी थाउजेंड फ्रैंक मैं इसको दे दूंगा और इसके लिए मैं तेरे को एक ड्राफ्ट इशू कर देता हूं एच डी एफ सी बैंक ने एक ड्राफ्ट इश्यू कर दिया और उसको बोला कि बॉस अब ये मेरा है मैं क्लाइंट को पैसा पहुंचवा तो तो अच्छा डील दे दिया क्योंकि मुझे हो सकता है अपने को HDFC बैंक को है कि यार स्विस फ्रैंक का प्राइस बाद में गिर जाएगा तो अभी ये डील कर लेते हैं टेंशन नहीं तो मैंने इंपोर्टर के साथ डील कर लिया उसके पास से पैसा मैंने ले लिया और सामने ड्राफ्ट इशू कर दिया सामने ड्राफ्ट इश्यूज़ को कर दिया तो यहां पे जब मैं ड्राफ्ट इशू कर रहा हूं बेसिकली तो मैं क्या कर रहा हूं सेल कर रहा हूं प्राइम आज नहीं शायद दो तीन महीने बाद जब वो ड्यू होगा तब अब ये जो ड्राफ्ट इशू का बात हुआ था हम लोग का इम्पोर्टर का वो आया और बोला कि अरे यार ये ड्राफ्ट है ना कैंसल हो गया है तो हुआ ड्राफ्ट इशू कैंसल तो जब ये ड्राफ्ट इशू कैंसल होगा तो कैन आई से सिचुएशन रिवर्स हो जाएगा तो दिस विल बिकम परचेज ऑफ एवरीबॉडी सो पहले ड्राफ्ट इशू हुआ होगा तब सेल में गया रहेगा आज ड्राफ्ट इशू कैंसल हुआ है फॉरवर्ड परचेज परचेज में आया फॉरवर्ड परचेज कैंसल सेल में गया उल्टा ड्राफ्ट इशू पहले सेल में इशू किया लोग ने पैसा जो भी करेंसी है आज वो कैंसल हो गया तो अगेन कैश पोजीशन में तो नहीं आएगा बट यहां पे डेफिनेटली उसका इंपैक्ट आएगा आई विल राइट योर ड्राफ्ट ऑन ज्यूरिक ना ड्राफ्ट ऑन ज्यूरिक कैंसल्ड ड्राफ्ट ऑन ज्यूरिक कैंसल्ड परचेज में आ जाएगा क्योंकि ड्राफ्ट ऑन ज्यूरिक इश्यू किया था तब सेल में था आज वो रिवर्स हो गया है uh, कितना हुआ है उसका रिवर्सल देखो जरा ओके इट इज थर्टी सो आई विल राइट योर

नेक्स्ट अब, अब 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 आते हैं क्वेश्चन के लास्ट पॉइंट के ऊपर बड़ा व्हाट स्टेप्स वुड यू टेक इफ यू आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ स्विस फ्रैंक्स थर्टी थाउजेंड इन नोस्त्रो अकाउंट एंड कीप एज ओवर पोजीशन पोजिशन ऑन स्विसंक्स टेन थाउजेंड वेट 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 पहले नोस्त्रो अकाउंट पे आ जाओ so, वो अपना रियल कैश बैलेंस है बैंक के साथ इसके ऊपर आ जाओ आज इसके पास कितना बैलेंस पड़ा है क्या पच्चीस हजार बैलेंस पड़ा है इसके पास बोलो यार बोलते क्यों नहीं पच्चीस हजार क्या आज इसके पास पच्चीस हजार बैलेंस पड़ा है तो अगर आज इसके पास पच्चीस हजार बैलेंस पड़ा है और मेरे को अगर 30,000 थाउजेंड करना है ये बैलेंस को तो मुझे क्या करना पड़ेगा क्रेडिट करना पड़ेगा फाइव थाउजेंड के साथ ये देखो ना इधर क्या बोला है What steps वॉट you इफ यू आर रिक्वायर टू मेनटेन अस स्विस्ट थर्टी थाउजेंड इन द नोस्ो अकाउंट बराबर तो मेरे को क्या करना पड़ेगा So मैं यहाँ पे next page पे लिखता हूं current क्लोजिंग ये खाली आप लोगों को समझाने के लिए लिख रहा हूं बाकी मैं डायरेक्ट भी कर सकता था करंट क्लोजिंग बैलेंस किस में नोस्त्रो अकाउंट में नोस्त्रो अकाउंट वर्ड यूज किया मतलब कैश अकाउंट वाला कैश वाला ठीक है कितना है सर ट्वेंटी फाइव थाउजेंड कितना परचेस मतलब करना पड़ेगा फाइव थाउजेंड फ्रैंक मेरे को परचेस करना, करना, करना पड़ेगा बोलो बोलो चल चल सो दिस इज द एंट्री दैट आई विल डू सो मैं क्या जाऊंगा मैं बोलूंगा ये बैंक ऑफ जिसके साथ भी मैंने बैंक ऑफ स्विस जिसके साथ मैंने अकाउंट खोला है उसको मैं फोन करके बोलूंगा सुनो ना मेरे को नजर स्विस फ्रैंक और चाहिए तो प्लीज मेरे को ट्रांसफर कर दो बराबर तो मैं क्या कर रहा हूं परचेज कर रहा हूं फाइव थाउजेंड फ्रैंक तो मेरी एक एंट्री आ जाएगी परचेस स्विस फ्रैंक फाइव थाउजेंड जैसे ही मैंने फाइव थाउजेंड फ्रैंक परचेस किया कैन आई से एड हो जाएगा इधर परचेज स्विश्रैंक फाइव थाउजेंड जैसे ही ये इधर स्विस बैंक फाइव थाउजेंड एड हुआ तो ये देखो वन लैख प्लस फाइव वन लैख फाइव थाउजेंड माइनस सेवेंटी फाइव थाउजेंड इज थर्टी क्लोजिंग अकाउंट वी विल से सी एल ओ एस आई एन जी क्लोजिंग कैश पोजिशन क्रेडिट थर्टी थाउजेंड हो गया भाई पहला काम हमारा हो गया है पहला काम हमारा हो गया है क्लोजिंग कैश बैलेंस थर्टी थाउजेंड बट एक बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है हिडन एंट्री काइंड ऑफ परचेस जैसे आपने स्विस फ्रैंक किया कैश में तो आएगा ही बट यहां पे भी तो आएगा ना बेटा वो एंट्री पास करना मत भूलना सो योर दिस एंट्री विल हैव अ इंपैक्ट योर दिस एंट्री विल है इंपैक्ट योर दिस एंट्री विल है इंपैक्ट क्या इंपैक्ट आएगा purchasing. Purchasing कर रहे हो तो परचेज में जाएगा कितना देखो एंड कीप एज ओवरबॉल पोजिशन स्विस फ्रैंक टेन थाउजेंड तो ठीक है भाई देखते हैं ओवर पोजीशन है क्या तो उसके लिए भी क्या करना पड़ेगा आपको ये देखो क्या करना पड़ेगा एक थोड़ा कर हैं। अब यहाँ पे आ जाओ सो so, मेरा सेल पोजीशन क्या है माय कैलकुलेटर जस्ट मोमेंट अगर आप अब नोट करते हो तो मेरा परचेज अब मेरा परचेज है 165 मेरा सेल्स है 165 सिक्सटी फाइव माँ ये तो जीरो हो गया 165 और 165 सिक्सटी फाइव जीरो जीरो है बट मुझे वो लोग लो ने बोला है बॉस ऐसा नहीं आपको ओवरबॉड पोजीशन रखना पड़ेगा स्विस फ्रैंक के ऊपर तो मेरे को एक फॉरवर्ड परचेज पोजीशन लेना पड़ेगा एंड उसके बाद मैं मेरा टेन थाउजेंड स्विस फ्रैंक का जो ओवरबॉड पोजीशन है वो मेंटेन कर पाऊंगा सो नाउ लास्ट थिंग दैट आई हैव टू डू इज एंटर इंटू अ फॉरवर्ड एंटर इंटू अ फॉरवर्ड परचेज एस 10,000. जैसे ही वो मैं करता हूं इधर एंट्री आ जाएगा कैश पोजीशन में तो फॉरवर्ड का एंट्री नहीं आता है इधर ये टेन थाउजेंड का एंट्री आ गया इधर ये टेन थाउजेंड का एंट्री से आ गया तो कहना है इससे यह ओवरबॉट दिखेगा ओपनिंग में टन टन एड टन क्योंकि मेरे को इन्होंने यही बोला है दैट कीप अकाउंट कीप एज ओवर पोजीशन स्विस फ्रैंक टेन थाउजेंड मैंने ये फॉरवर्ड परचेज करके टेन थाउजेंड ओवर कर लिया है अब मेरा क्लोजिंग टेन थाउजेंड ओवर पे दिखेगा राइट right? और वही ओपनिंग फिर वहां से कंटिन्यू होगा एंड दिस इज हाउ वी कंप्लीट आर नोस्ट्रो वोस्ट्रो लोरो अकाउंट अब आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो इससे रिलेटेड और आई होप ये पूरा लॉजिकली एंड कॉन्सेप्चुअली आपको समझ में आ गया होगा अब फटाफट -फड़ नोट्स अगर अपन लोग देख लेंगे then in that case, we will find that notes में भी ये सारी की सारी की चीजें देखो मैंने इंक्लूड कर ली है गॉट इट गाइज आई होप आप लोगों को ये सब चीजें प्रॉपरली समझ में आ गई होंगी ये देखो ये, ये देखो ओपनिंग बैलेंस मेरा कैश पोजीशन का था पॉजिटिव फिर ओवर बैलेंस ओपनिंग बैलेंस ओवर बॉट ये खाली एक्सचेंज पोजिशन में आएगा ओवर सोल्ड हुआ तो खाली एक्सचेंज में आएगा बिल परचेज परचेज या स्पॉट है तो इधर ये इनफ्लो जैसा हो गया स्पॉट सेल है रेमिटेंस बाई टीटी है फॉरवर्ड परचेज जो मेरा इधर बिल परचेज जिसको मैंने बोला था सॉरी हाँ तो ये रहा इनफ्लो फॉरवर्ड परचेज कैंसिल हुआ मेरा आउटफ्लो हो गया

Keep on letting me know. Time for me to say Astala Vesta. Keep smiling, thank you so much.